आज कोई मेन रील नहीं, आज हम बात करेंगे प्यार की, जो खुद में करीब जोक की तरह है। हंसी आती है पर औरों के आगे हंसा नहीं जाता, और घाट में दर्द भी होता है। तो लेट्स गो हाई इन ऑल्टीट्यूड। प्यार में चूतिया हर कोई बनता है, और अभी मैं तुम चूतियों को उस चूतिये की तरह ज्ञान देने आया हूँ जो साला खुद सिगरेट एडिक्ट है पर दुनिया भर में बोलता फिरता है कि भाई सिगरेट मत पिया करो। अब तो हम में से किसी को भी नहीं है कुछ बोलने का, क्योंकि हम सभी प्यार में चूतिया बने हैं। उसके घर के बाहर जाके बैठे हैं, उसकी याद में फेफड़े जला जला के छल्ले बनाए हैं, लिवर ख़राब करी है अपनी, पर कोई नहीं। वैलेंटाइंस वीक के आसपास साला हम एडवांस से छोटी गोल्ड और छोटी गोल्ड से बीड़ी पे आ जाते थे, ताकि इनको दुनिया भर के लोड़े, लहसुन, टेडी, रोज़ ये सब दे सकें। पर इनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। और अगर तुम गलती से ऐसे हो जिसको घर से पैसे मांगना पसंद नहीं है, तो तुम्हारी बहन चुनने वाली है, क्योंकि जब तक बुखारा में 3 बार स्नैप नहीं डलेंगी हफ्ते की, तब तक रिलेशनशिप वैलिडेट थोड़ी होगा। और वैलिडेशन सिर्फ बुखारा की स्नैप से नहीं आती है, वैलिडेशन आती है इनकी बेस्ट फ्रेंड से, जो तुम्हारे मुँह पर तो काफ़ी अच्छी बनेगी, पर पीछे से जो तुम्हारी गांड में दर्द हो रहा है ना, वो वही पैकिंग कर रही है। खुद की तो रिलेशनशिप में अपने बंदे को बवासीर करा दिया है, और अब तुम्हें भी कराने के मूड में है। इस सब के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गांड नहीं मरी है ना, तो आता है इनका बेस्ट फ्रेंड, मेल बेस्ट फ्रेंड। वैसे इनमें कुतियाओं वाली सिक्स सेंस होगी, पर अपने बेस्ट फ्रेंड को ही नहीं पहचान पाती है। इन्हें पता ही नहीं है कि वो भूसड़ी का इनका दोस्त इन द फर्स्ट प्लेस इसलिए बना ताकि ये इनके साथ सेक्स कर सके। पर नहीं, इन्हें मानना कहाँ है, इन्हें समझना कहाँ है, हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमें पता है आदमी जात कितनी कुत्ती है। हम हवस के लिए खाई से कूद सकते हैं। कल ही एक बंदा यहाँ से कूद गया एक लड़की को बताने के लिए कि वो उससे कितना प्यार करता है, पर इन्हें हमारी बात माननी थोड़ी होती है। और फेक फेमिनिज्म के चक्कर में तो अपने सगे बाप को पानी का ग्लास ना दें, हम तो क्या ही चीज़ है। प्यार भी कैंसर की तरह होता है साला, स्टार्टिंग में कुछ कुछ होता है, फिर पता चलता है स्टेज 1 हो गया है। उसके बाद धीरे धीरे गांठ फटती है, लगता है चल कोई नहीं, कीमो से ठीक हो जाएगा, पर फिर भी नहीं ठीक होता। फिर स्टेज 2 होती है, अब आँख में आंसू और गांठ में मौत का दर्द बढ़ जाता है। और अगर अभी भी नहीं निकले ना तुम, तो आती है स्टेज 3, और फिर डायरेक्ट मौत, टिकट टू गॉड। यहीं से सीधा जाओगे ऊपर। मिर्ज़ा को भी साहिबा ने मरवाया था, और रोज़ ने भी जैक का हाथ छोड़ दिया था। पर मैं इनकी तरह नहीं हूँ जो बोलूँगा कि ऑल गर्ल्स आर द सेम, जिंदगी भर सिंगल रहूँगी। नहीं, चूतिया देख के प्यार करो। सारी चूतिया चीज़ें ख़राब नहीं होती, तुम्हारे दोस्त भी चूतियाँ, पर वो अच्छे चूतियाँ हैं। और कैंसर करवाना ही है तो ऐसा करो जिससे कोई फ़र्क ना पड़े। लड़के हो तो ब्रेस्ट करवा लो, लड़की हो तो टेस्टिकुलर करवा लो, पर करवाओ, प्यार करवाना भी बहुत ज़रूरी है।